हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइस्तास क्लासेस। टुडे इन दिस वीडियो आई विल टेल यू सम इंग्लिश कॉमन वर्ड मीनिंग। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन इज खरोच। खरोच को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रैच या फिर ग्रेज। स्क्रैच, ग्रेज। नेक्स्ट वन इज फुंसी। फुंसी को इंग्लिश में कहते हैं पिंपल, पिंपल। नेक्स्ट वन इज गुमटा। गुमटा को इंग्लिश में कहते हैं ब्रूस, ब्रूस। नेक्स्ट वन इज उल्टी। उल्टी को इंग्लिश में कहते हैं वॉमिट, वॉमिट। नेक्स्ट वन इज जुकाम। जुकाम को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट वन इज कान का दर्द। कान के दर्द को इंग्लिश में कहते हैं ईयर एक, ईयर एक। नेक्स्ट वन इज मोच। मोच को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेन या फिर स्ट्रेन, स्प्रेन या फिर स्ट्रेन। नेक्स्ट वन इज दस्त। दस्त को इंग्लिश में कहते हैं लूज मोशन या फिर डायरिया, लूज मोशन, डायरिया। नेक्स्ट वन इज घाव। घाव को इंग्लिश में कहते हैं वूंड या फिर गैश, वूंड या फिर गैश। नेक्स्ट वन इज चक्कर। चक्कर को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल, वर्ल। नेक्स्ट वन इज सूजन। सूजन को इंग्लिश में कहते हैं स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट वन इज उबकाई। उबकाई को इंग्लिश में कहते हैं नौजिया, नौजिया। नेक्स्ट वन इज गुमड़ा। गुमड़ा को इंग्लिश में कहते हैं बम्प, बम्प। नेक्स्ट वन इज बालों का झड़ना। बालों का झड़ना को इंग्लिश में कहते हैं हेयर फॉल, हेयर फॉल। नेक्स्ट वन इज खांसी। खांसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉफ, कॉफ। नेक्स्ट वन इज बुखार। बुखार को इंग्लिश में कहते हैं फीवर, फीवर। नेक्स्ट वन इज दांत का दर्द। दांत के दर्द को इंग्लिश में कहते हैं टूथ एक, टूथ एक। नेक्स्ट वन इज बदहजमी। बदहजमी को इंग्लिश में कहते हैं इंडाइजेशन, इंडाइजेशन। नेक्स्ट वन इज खराश। खराश को इंग्लिश में कहते हैं सोर थ्रोट, सोर थ्रोट। नेक्स्ट वन इज पाचन या फिर हाजमा। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टन, डाइजेस्टन। नेक्स्ट वन इज पेट का छाला। पेट के छाले को इंग्लिश में कहते हैं स्टमक अल्सर, स्टमक अल्सर। नेक्स्ट वन इज घबराहट। घबराहट को इंग्लिश में कहते हैं नर्वसनेस या फिर एंग्जाइटी, नर्वसनेस या फिर एंग्जाइटी। नेक्स्ट वन इज पीलिया। पीलिया को इंग्लिश में कहते हैं जॉन्डिस, जॉन्डिस। नेक्स्ट वन इज थकान। थकान को इंग्लिश में कहते हैं फटीग, फटीग। नेक्स्ट वन इज बवासीर। बवासीर को इंग्लिश में कहते हैं पाइल्स, पाइल्स। नेक्स्ट वन इज चक्कर आना। चक्कर आना को इंग्लिश में कहते हैं डिजीनेस, डिजीनेस। नेक्स्ट वन इज सुन होना। सुन होना को इंग्लिश में कहते हैं नंबनेस, नंबनेस। नेक्स्ट वन इज छींक। छींक को इंग्लिश में कहते हैं स्नीज, स्नीज। नेक्स्ट वन इज पथरी। पथरी को इंग्लिश में कहते हैं स्टोन या फिर कैलकुलस, स्टोन, कैलकुलस। नेक्स्ट वन इज पेट में जलन। पेट में जलन को इंग्लिश में कहते हैं इरिटेशन, इरिटेशन। नेक्स्ट वन इज मुहासा। मुहासा को इंग्लिश में कहते हैं एक्नी, एक्नी। नेक्स्ट वन इज सीने में दर्द। सीने में दर्द को इंग्लिश में कहते हैं चेस्ट पेन, चेस्ट पेन। नेक्स्ट वन इज घुटन। घुटन को इंग्लिश में कहते हैं सफोकेशन, सफोकेशन। नेक्स्ट वन इज सर दर्द। सर दर्द को इंग्लिश में कहते हैं हेडेक, हेडेक।
नेक्स्ट वन इज खुजली। खुजली को इंग्लिश में कहते हैं इच या फिर एक्समा, इच एक्समा। नेक्स्ट वन इज दाद। दाद को इंग्लिश में कहते हैं रिंग वर्म, रिंग वर्म। नेक्स्ट वन इज फफोला। फफोला को इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर, ब्लिस्टर। नेक्स्ट वन इज गलसुआ। गलसुआ को इंग्लिश में कहते हैं मम्प्स, मम्प्स। नेक्स्ट वन इज पेट दर्द। पेट दर्द को इंग्लिश में कहते हैं स्टमक एक, स्टमक एक। नेक्स्ट वन इज तिल। तिल को इंग्लिश में कहते हैं मोल, मोल। नेक्स्ट वन इज चेचक। चेचक को इंग्लिश में कहते हैं मीजल्स, मीजल्स। नेक्स्ट वन इज गुदगुदी। गुदगुदी को इंग्लिश में कहते हैं टिकल, टिकल। नेक्स्ट वन इज मुंह के छाले। मुंह के छाले को इंग्लिश में कहते हैं माउथ अल्सर्स, माउथ अल्सर्स। नेक्स्ट वन इज खून की कमी। खून की कमी को इंग्लिश में कहते हैं अनीमिया, अनीमिया। नेक्स्ट वन इज घमौरिया। घमौरिया को इंग्लिश में कहते हैं हीट रैश या फिर प्रिकली हीट, हीट रैश या फिर प्रिकली हीट। नेक्स्ट वन इज मवाद। मवाद को इंग्लिश में कहते हैं पस, पस। नेक्स्ट वन इज मांसपेशियों में दर्द। मांसपेशियों में दर्द को इंग्लिश में कहते हैं मसल पेन, मसल पेन। नेक्स्ट वन इज फोड़ा। फोड़ा को इंग्लिश में कहते हैं फ्लेगमॉन या फिर बॉयल, फ्लेगमॉन या फिर बॉयल। नेक्स्ट वन इज पित्ताशय की पथरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं गॉल स्टोन्स, गॉल स्टोन्स। नेक्स्ट वन इज पीठ या फिर कमर दर्द। पीठ या फिर कमर दर्द को इंग्लिश में कहते हैं बैक एक, बैक एक। नेक्स्ट वन इज गंजापन। गंजापन को इंग्लिश में कहते हैं बाल्डनेस, बाल्डनेस। नेक्स्ट वन इज दर्द। दर्द को इंग्लिश में कहते हैं पेन, पेन। नेक्स्ट वन इज कब्ज। कब्ज को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट वन इज तनाव। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज खर्राटे। खर्राटे को इंग्लिश में कहते हैं स्नोर, स्नोर। नेक्स्ट वन इज हिचकी। हिचकी को इंग्लिश में कहते हैं हिकअप, हिकअप। नेक्स्ट वन इज अस्थमा। अस्थमा को इंग्लिश में कहते हैं आज़मा, आज़मा। एंड द लास्ट वन इज गांठ। गांठ को इंग्लिश में कहते हैं सिस्ट, सिस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।